नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पंजाब में नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अभी कुछ देर में शपथ ले लेंगे, इसके बाद वो अपना कैबिनेट विस्तार करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पिछले 6 महीने में पंजाब कांग्रेस में और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में खींचतान चलती रही और दिल्ली में पटकथा लिखी जाती रही, क्या ये अचानक हुआ है या इसके पीछे लंबी कहानी है और जो 60 विधायकों की बगावत की बात आ रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है? कहानी जो निकल करके इनसाइड स्टोरी जो आ रही है कुछ ऐसी ही है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह राजा खानदान से, राजीव गांधी के दोस्त, दोनों साथ में दून स्कूल में पढ़े, 77 में पहली बार चुनाव लड़े और हारे, राजीव गांधी की वजह से कांग्रेस में आए, 80 में दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो जीते और 84 में जब ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी ने किया तो फिर वो अलग हो गए और अकाली दल पथिक बना ली थी। ये कहानी का एक पार्ट है कि पहली पारी जो थी उनकी बहुत कम पीरियड के लिए थी और राजीव गांधी की दोस्ती की वजह से शुरू हुई थी, क्योंकि राजीव गांधी की दोस्ती की वजह से पहले से इंदिरा गांधी के यहाँ उनका आना जाना था। दूसरी कहानी तब शुरू होती है जब वो अपनी पार्टी बना करके और चुनाव मैदान में उतरे, राजनीति किए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए। फिर आता है वो कि 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो जाती है, कांग्रेस बेहाल हो जाती है, सोनिया गांधी 1998-99 में जो है कांग्रेस की कमान संभालती है, फिर से इनकी एंट्री होती है। इस एंट्री के बाद कहते ये हैं कि जब कैप्टन अमरिंदर राजीव गांधी के साथ पढ़े, इसके बाद आर्मी में चले गए, फिर 70 के दशक में वापस लौटे, तो एक दून स्कूल फिर से बीच में आता है और राहुल गांधी और उनके बेटे रणिंदर साथ में पढ़ा करते थे। तो जब कैप्टन अमरिंदर सिंह वहां जाते थे तो दोनों को आउटिंग के लिए लेकर के जाते थे। उस दौरान राहुल गांधी ने क्या फील किया ये तो राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह और रणिंदर ही जान सकते हैं। लेकिन कहते ये हैं कि 2004 में जब राहुल गांधी की राजनीति में एंट्री हुई और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में मजबूत होते चले गए, क्योंकि जब 1998-99 में उनकी वापसी हुई फिर वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए और फिर 2002 के चुनाव में जीत करके वो मुख्यमंत्री बने। पहली बार 2002 में ही वो मुख्यमंत्री बने थे और काफ़ी मजबूत मुख्यमंत्री बने, यानी कि दूसरी पारी उनकी काफ़ी दमदार रही। सोनिया गांधी की सहानुभूति रहती थी क्योंकि राजीव गांधी से उनकी दोस्ती थी। इसके बाद क्या हुआ कि दो बार 2007 और 12 का चुनाव कांग्रेस हार गई, लिहाजा कांग्रेस हाशिए पे चली गई। अब राहुल गांधी की 2004 में एंट्री के बाद पीढ़ीगत जो गैप है वो शुरू हो गया था और कैप्टन अमरिंदर से बन नहीं रही थी। लेकिन 2014 में जब इन्होंने अरुण जेटली को अमृतसर से हराया, कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने फ़ोन किया था कि अंकल आपको लड़ना ही होगा, तब इनका फिर से एक बार कद बढ़ने लगा। 2013 में जो है प्रताप सिंह बाजवा प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे। 2017 का जब चुनाव आया था तो कैप्टन अमरिंदर और प्रताप सिंह बाजवा की बन नहीं रही थी, तो उसके पहले ही इन्होंने जो किया था कि दबाव बनाया, उस दबाव में जो है उनको हटाना पड़ा था और राहुल गांधी को ये बात बहुत नागवार गुजरी थी कि ये कैप्टन अमरिंदर हमको कुछ समझ नहीं रही। इस दौरान कहते हैं कि एक मीटिंग में कुछ बात भी हो गई थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि क्या आप कांग्रेस छोड़ देंगे, तो हम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा, तो उन्होंने कहा था कि हमें विकल्प तो देखने ही होंगे, चाहे कुछ भी रिजल्ट कुछ भी हो। कहने का मतलब कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और राहुल गांधी की जो जनरेशनल गैप है इस वजह से बन नहीं रही थी। सोनिया गांधी की जो है हमेशा उनके साथ सहानुभूति रही और सोनिया गांधी के कहने पे ही हरीश रावत ने, आपको याद होगा जब ये बगावत हो रही थी और देहरादून बहुत सारे विधायक मंत्री पहुंचे हुए थे, तब उन्होंने बयान दिया था कि कैप्टन अमरिंदर के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। सोनिया गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ़ोन भी किया था कि आप सरकार चलाओ, फिर से पार्टी को सत्ता में ले आओ। आखिरकार फिर क्या हुआ जो सोनिया गांधी ने उनसे इस्तीफा मांगा या इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया? तो अभी जब 2 दिन पहले उन्होंने रिजाइन किया तो कहते ये है, कैप्टन अमरिंदर ने खुद ही बताया कि सोनिया गांधी को उन्होंने फ़ोन किया था जिसमें उन्होंने आई एम सॉरी अमरिंदर कह कर के बात की शुरुआत की थी, कहने का मतलब कि अब मैं आपको नहीं बचा पाऊंगी। तो इन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश कर दी और चिट्ठी भी लिख दी और पूरी बात लिख दी। उसके बाद इस्तीफे के बाद जिस तरीके से अपने अपमान की बात कही वो सब कुछ उसमें छिपा हुआ है। खैर, तो माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी जब 2013 में उपाध्यक्ष बने थे और उसके बाद 2018 में आकर के अध्यक्ष बने,
और चुनाव बाद फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया कि दूसरी बार अध्यक्ष बनने के लिए राहुल गांधी अब अपने को तैयार कर रहे हैं, अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। जो पहले राहुल ब्रिगेड थी वो छिटक चुकी है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जितिन प्रसाद हो, सुष्मिता देव हो, मिलिंद देवड़ा पार्टी में होते हुए भी अब पार्टी में नक के बराबर जैसे हैं, हाशिए पे है, ऐसे ही सचिन जो पायलट है वो है, तभी अपनी नई टीम तैयार कर रहे हैं। इसमें कौन कौन, प्रशांत किशोर, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाड़ी गुजरात से, इनको तैयार किया जा रहा है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इन्होंने बोला था कि जो डरते हैं उनको बाहर करो और जो निडर हैं बाहर हैं उनको अंदर लाओ। उसी क्रम में ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी उनका साथ दे रही है, सोनिया गांधी की पार्टी में अब चल नहीं रही है उतनी, और सोनिया गांधी ने बहुत मजबूर होकर के और अमरिंदर सिंह से आई एम सॉरी अमरिंदर कहा था। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह 80 साल की उम्र में भी चुप बैठने वाले नहीं हैं, और जो भी मैंने आपको ये बात बता रहा हूँ ये कोई मौखिक नहीं, खुशवंत सिंह ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पीपुल्स महाराजा जो बुक लिखी है इनकी जीवनी, उसमें इन बातों का बाकायदे जिक्र किया है, गांधी परिवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी से इनके रिश्तों का, और उसी में बताया किस तरीके से राहुल से इनकी नहीं पट रही थी। तो अब कैप्टन अमरिंदर का अगला कदम क्या होगा, क्या शपथ ग्रहण में वो जाएंगे, क्योंकि हरीश रावत ने कह दिया है कि ये उनके ऊपर है, अलग कुछ करेंगे क्योंकि 80 साल की उम्र हो चुकी है, अलग पार्टी बना करके देख चुके हैं, क्या भाजपा उनको गले लगाएगी, इस सब पे हमारी नज़र रहेगी। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।